यूपी के जनपद बुलंदशहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एसपी सड़कों पर उतर आए और जहांगीराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे मेन बाजार में पैदल मार्च निकाला और सभी को हैरत में डाल दिया, जिससे नगर में हड़कंप मच गया। इसी दौरान बीच बीच में एसएसपी ने व्यापारी की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, डेली शाम को ऐसे एक घंटे सभी अधिकारी सभी थाना फूड पेट्रोलिंग करना है। हम लोग डेली इधर कर रहे हैं, मैं एक एक थाना एक एक दिन में जा रहा हूँ डेली। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सभी थाना अभी पूरी हो रहा है मेरा। फूड पेट्रोलिंग जाने से हम लोग का ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, ऐसे में खुद ही बैंक का देखा, एटीएम का देखा, कहाँ कहाँ शराफा दुकान है, शराफा दुकानदार से बात हो गई, उनकी ऐसे दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मैं बताया 10 दिन में करा दीजिए, वो बताया सारा भाया बिल्कुल मैं करूँगा 10 दिन में। ऐसे ही पैदल जाने से बहुत अच्छा, वो ग्राउंड लेवल में क्या है वो मिलता है, इमीडिएटली हम डायरेक्शन देते हैं। ऐसे बात करके करके ही पूरा थाना का स्थिति, कितना गाँव है, क्या क्राइम है, क्या केस हो तो होना वो भी बात होगी। ऐसे लास्ट में हम लोग का फाइदल करके करके हमारा फिटनेस भी अच्छा होता है। पुलिस वाला का एक घंटे अलग से एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसे पॉजिटिव मन से हम ये 3-4 काम का इकट्ठा करके करते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। सर, सुरक्षा करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देख करके ही अभी बताया, जनता का सुरक्षा महसूस होता है। ऐसे मुलजिम लोग का ये डेली आएंगे वर्दी में देख करके, पता है डेली करने में ट्रैफिक भी अच्छा हो गई, पहले जाम रहता था।